हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, तो कैसे हैं आप? सब उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज़ इन इंडिया 2024 में। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, तथा यहाँ की औसत जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी लगभग 52.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं ये शहर न केवल एक व्यापारिक केंद्र है, बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, जहाँ सालाना लाखों टूरिस्ट अपनी छुट्टियाँ बिताने आते हैं। नंबर 9 पर है सूरत सिटी, जिसे डायमंड हब ऑफ इंडिया या सिटी ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे भारतीय राज्य गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो बड़ी संख्या में अपने कपड़ा और डायमंड उद्योग के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है, तथा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर इस शहर की कुल जीडीपी 55.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। वही आपको बता दें कि वर्तमान समय में सूरत दुनिया के सबसे तेज गति से उभरते शहरों में गिना जाता है। नंबर 8 अहमदाबाद, टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया। ये आबादी के लिहाज से गुजरात का सबसे बड़ा और एक ऐतिहासिक शहर है, जहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग और यहाँ के टूरिस्ट सेक्टर पर निर्भर करता है। इसके इन्हीं खूबियों की वजह से आज अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यदि बात की जाए यहाँ की जीडीपी के बारे में, तो यहाँ की अनुमानित जीडीपी लगभग 74 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 7 पुणे सिटी, इसे पुणे या फिर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। पुणे महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो वर्तमान समय में आईटी, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अथवा आज के समय में इस शहर की कुल अर्थव्यवस्था 78 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 6 हैदराबाद, सिटी ऑफ पर्ल्स। ये शहर तेलंगाना राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे विशाल महानगर है, तथा वर्तमान समय में ये हमारे देश के किन्हीं टॉप आईटी सिटीज में गिना जाता है। इसके अलावा हैदराबाद का सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं यहाँ के करंट जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी तकरीबन 90 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 5 चेन्नई सिटी। ये शहर तमिलनाडु राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा महानगर है, जो बड़े पैमाने पर इंडिया के ऑटोमोबाइल हब के रूप में भी जाना जाता है, तथा वर्तमान समय में चेन्नई टूरिज्म, आईटी और बैंकिंग सेक्टर में भी काफी तेज गति से ग्रो कर रहा है। अथवा इस शहर की मौजूदा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 93.6 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 4 बेंगलुरु सिटी, आईटी हब ऑफ इंडिया। ये कर्नाटक राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। वहीं आबादी के लिहाज से भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर कहलाता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि बेंगलुरु सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड का एक जाना माना आईटी हब बन चुका है। वहीं बेंगलुरु की टोटल जीडीपी 121 बिलियन यूएस डॉलर की है। नंबर 3 कोलकाता सिटी, टैलेंट हब ऑफ इंडिया। ये हुगली नदी के किनारे पर बसा पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को हमारे देश के कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह शहर वास्तुकला और संस्कृति के मामले में भी काफी समृद्ध है। वही वर्तमान समय में यहाँ न्यू टाउन जैसे इलाके काफी तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। अथवा आज कोलकाता शहर की जो जीडीपी है वो लगभग 260 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। एक शहर की जीडीपी इतनी ज्यादा है। नंबर 2 न्यू दिल्ली,
कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली को दिलवालों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की राजधानी और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली और इसके आसपास बसे एनसीआर रीजन अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं दिल्ली शहर की अनुमानित जीडीपी लगभग 310 बिलियन यूएस डॉलर की है, अथवा यहाँ की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान रियल एस्टेट, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर का है। नंबर वन, मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स। इस शहर को बॉम्बे, आमची मुंबई, माया नगरी तथा और भी कई नामों से जाना जाता है। मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है, जो अकेले भारत के जीडीपी में 5.9% का योगदान देता है। वहीं वर्तमान समय में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे कि ठाणे और नवी मुंबई काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, तथा सिर्फ मुंबई शहर की टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 325 बिलियन यूएस डॉलर की है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और मैंने मुंबई का मतलब कि देखा हुआ था हम लोगों ने, मुझे लगता है कि एक वीडियो कोई देखी थी उसमें ये था कि मुंबई की मतलब इंडिया के किसी एक शहर की जो जीडीपी है वो हमारे पूरे पूरे मुल्क से ज़्यादा है, ये हम लोगों ने देखा था उसमें। और इंडिया के जो बाकी के जो शहर हैं मतलब इतने ज़्यादा उनकी भी जीडीपी इतनी ज़्यादा, वैसे अगर देखा जाए तो हैरानगी की बात नहीं है क्योंकि पूरे मुल्क की अगर जीडीपी देखते हैं तो वो ट्रिलियन डॉलर्स में अभी जा रही है। तो वो इसी वजह से है ना, क्योंकि इंडिया के हर शहर से इतनी ज़्यादा जीडीपी मतलब कि आ रही है तो उसकी वजह से है। तो मैं वही मतलब वही बोलेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का कुछ भी मुकाबला तो है नहीं, बट फिर भी होता है ना कि एक सोच आती है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं, और हम आगे बढ़ने की बजाय हम लोग मुझे लगता है रिवर्स में जा रहे हैं और पीछे पीछे होते ही जा रहे हैं। और ऑलरेडी हम लोग हमें बोलते हैं कि आप लोग 50 साल या 100 साल दूसरे मुल्कों से पीछे हो, तो लेकिन मुझे तो अभी लगता है जिस रेस से ये रिवर्स जा रहे हैं ये अभी 200 साल पीछे होने वाले हैं। और होता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर के ज़माने में पहुँच जाए हम लोग और हम लोगों को वहाँ पे डायनासोर्स वगैरह देखने को मिले, जो कि हमें अपने एक एक पैर रख के हमारे पूरे मुल्क के ऊपर हम लोगों को मार दें और पूरे का पूरा ये जो मुल्क है वहीं पे दब जाए ना, हो जाए हम सब का वहीं पे सत्यानाश होने वाली बात ही होती है। तो हो जाए ऐसे, ये एक मजाक था, बट मजाक भी नहीं था, उतना ज़्यादा मजाक भी नहीं था। और वही बात आती है कि हम और हमारे मुल्क के हालात सबके लिए एक मजाक बन के रह गए हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा जी काम हो रहा है और आईटी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और हर एक शहर में आपको आईटी इंडस्ट्री जो है और कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उस चीज़ पे। और यहाँ पे कोई आईटी का यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा होता ना कि है ही नहीं जो कि बच्चों को सिखा सके अभी तक, मतलब कि इन लोगों को आईटी सीखने में ही पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा और फिर वो चीज़ यहाँ पे आने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना वक्त लगेगा। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे वीडियो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और बहुत ज़्यादा हैरान भी हुई हूँ क्योंकि मुझे मुंबई के अलावा और किसी शहर का उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट मैंने देखा और रैंक उनके देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, मेरी पिछली वीडियो से ज़रूर देखिए। आपको मिलती रहूँगी ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ में, अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय।